बेयरिंग हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, क्या इसका अप्लीकेशन है और किस तरह से क्लासिफाई किया गया है बेयरिंग। तो बेयरिंग हमारा क्या करता है कि बेयरिंग एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि सपोर्ट्स और गाइड्स एंड रीस्ट्रेन्स मूविंग एलिमेंट, क्योंकि बहुत से एलिमेंट जो होते हैं शाफ्ट हो गया और अदर सिस्टम्स हो गए, इन सब को एक साथ कनेक्टिविटी करनी होती है। उनको कनेक्टिविटी करने के लिए हम लोग बेयरिंग का यूज़ करते हैं, जिससे कि रोटेशन जो हमारा स्मूथ हो जाए, उसमें आपके रबिंग ना हो, फ्रिक्शन ज़्यादा ना क्रिएट हो, इसलिए क्या करते हैं हम लोग बेयरिंग का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है साथ ही साथ गाइड्स और रीस्ट्रेन मूविंग एलिमेंट्स रहते हैं। जो बेसिकली बात करते हैं मटेरियल यूज फॉर बियरिंग इज कॉमनली कास्ट आयरन फॉर स्लो स्पीड ब्रोनेज और ब्रास लाइनिंग बीइंग फिटेड विद अ हायर स्पीड के लिए। नॉर्मल स्पीड्स के लिए हम लोग क्या करते हैं कास्ट आयरन का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा स्पीड पे जो आरपीएम हाई आरपीएम पे जो शाफ्ट रोटेट करते हैं उसकी जगह हम लोग वहां पर स्मूथ मोशन के लिए हम लोग ब्रास और अच्छे मटेरियल्स का यूज करते हैं, यानी ब्रोनेज या ब्रास लाइनिंग बीइंग फिटेड विद द हायर स्पीड्स के लिए। जबकि वाइट मेटल या एंटी फ्रिक्शन मेटल जो होते हैं इसका यूज करते हैं फॉर लाइनिंग फॉर द ब्रोनेज, या इट मे बी हेल्ड डायरेक्टली इन द कास्ट आयरन या इन द स्टील बाय कनेक्टिंग रॉड। द वैल्यू ऑफ सॉफ्ट मेटल्स सच एज दीज इन दे आर डू नॉट रफन द जनरल एंड दे आर एबल टू फ्लो स्लाइटली अंडर प्रेशर इज सफिशियंट क्लियरेंस हैज बीन अलाउड और द शाफ्ट इज वेरी स्लाइटली आउट ऑफ लाइन। यानी आप अभी देखेंगे अरेंजमेंट शाफ्ट और इसका मैं एक वीडियो भी आपको दिखाएंगे जिसमें कि आप ये देखेंगे किस तरह से ये वर्कआउट करते हैं। तो दिस वन इज द बेयरिंग का बेसिक इंट्रोडक्शन, बेयरिंग क्या क्या काम है। क्लासिफिकेशन ऑफ बेयरिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर जो यूज करते हैं पहला बेयरिंग होता है हमारा जिसका नाम होता है प्लेन बेयरिंग। प्लेन बेयरिंग के अंदर हम लोग यूज करते हैं जनरल बेयरिंग, पिवोट बेयरिंग और कॉलर एंड थ्रस्ट बेयरिंग। प्लेन बेयरिंग के अंदर कौन कौन से हो जाएंगे, एक हो जाएगा हमारा जनरल बेयरिंग, पिवोट बेयरिंग, कॉलर या थ्रस्ट बेयरिंग। सेकंड बेयरिंग जो होती है बॉल एंड रोलर बेयरिंग होती है, बॉल एंड रोलर बेयरिंग, एंड इसका हम लोग आगे डायग्राम देखेंगे। तो यहाँ पे पहले आप देखते हैं आप जनरल बेयरिंग का डायग्राम क्या है। जनरल बेयरिंग डायग्राम में यहाँ पर हमारा इस तरह से शाफ्ट है और बेयरिंग जो है हमारी इस तरह से ऊपर से माउंटेड है। इस वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं जनरल बेयरिंग अरेंजमेंट, जनरल बेयरिंग शाफ्ट वगैरह अरेंजमेंट। जब यहाँ बात करते हैं पिवोट बेयरिंग अरेंजमेंट की तो यहाँ पर इस तरह से इसको शाफ्ट और यहाँ पर इस तरह से बेयरिंग का हमारा पूरा अरेंजमेंट होता है, जिसमें हम लोग अलग अलग यूज करते हैं अटैच करने के लिए। डिस्क भी होता है, कास्ट आयरन ब्लॉक यूज करते हैं, बुशेस यूज करते हैं। प्लेन बेयरिंग की बात करते हैं अगर डिटेल में तो प्लेन बेयरिंग हमारी क्या है, प्लेन बेयरिंग हमारी जनरल बेयरिंग थी, पिवोट बेयरिंग थी, कॉलर बेयरिंग थी। जनरल बेयरिंग की बात करते हैं इसका हम लोग जनरल बेयरिंग की बात करेंगे जब, तो जनरल बेयरिंग इज वन इन विच द बेयरिंग प्रेशर इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट। हमें याद करना है कि अगर जनरल बेयरिंग होगी तो जनरल बेयरिंग में क्या होगा, बेयरिंग जो प्रेशर होगा इस परपेंडिकुलर है टू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट और द पोर्शन ऑफ द रोटेटिंग एलिमेंट विच इज इन कॉन्टेक्ट विद द बेयरिंग इज कॉल्ड जनरल। यह पूरा जो अरेंजमेंट है जो सिस्टमेटिक यहाँ पे देख सकते हैं, द पोर्शन ऑफ द रोटेटिंग एलिमेंट विच इज द कॉन्टेक्ट इन कॉन्टेक्ट विद द बेयरिंग इज कॉल्ड जनरल। तो यह जो कॉन्टेक्ट जोन में आ रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा, बेसिकली जनरल। पिवोट बेयरिंग क्या है, यहाँ पे आज जो अरेंजमेंट देखते हैं उसका भी वीडियो भी दिखाएंगे आपको जिससे कि और क्लियर आउट हो जाएगा आपको। तो इन पिवोट बेयरिंग में बात करते हैं इज वन विच द प्रेशर इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट था, लेकिन पिवोट बेयरिंग में कैसा है, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट के। दिस वन इज अ फिगर 7.40। तो यहाँ पे आप यहाँ को याद रखना है कि जो पिवोट बेयरिंग होगी इज वन विच द प्रेशर इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट के होगा एंड द एंड ऑफ द शाफ्ट रेस्ट ऑन द बेयरिंग सरफेस। पिवोट बेयरिंग क्या होगा, पिवोट बेयरिंग में इज वन विच द प्रेशर इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट के होगा, इसमें परपेंडिकुलर होगा और इसमें एंड ऑफ द शाफ्ट रेस्ट ऑन द बेयरिंग सरफेस। कॉलर बेयरिंग यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें देख सकते हैं आप डायग्राम कॉलर बेयरिंग का, कॉलर या थ्रस्ट बेयरिंग डायग्राम। तो कॉलर बेयरिंग में क्या हो रहा है, जो प्रेशर है इज अ पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट के। यहाँ पर क्या होगा, द प्रेशर इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट व्हिच इज पास्ड द एक्सटेंड थ्रू द बेयरिंग, विच इज पास टू द एक्सटेंड टू द बेयरिंग। अब इसकी वर्किंग तो हमने यहाँ पे देखा जनरल बेयरिंग, पिवोट बेयरिंग एंड कॉलर बेयरिंग। दीज बेयरिंग्स आर एम्प्लॉयड टू टेक अप अनबैलेंस्ड एक्सियल लोड्स ऑन द हॉरिजॉन्टल शाफ्ट एंड इफ द लोड इज लाइट सिंगल कॉलर थ्रस्ट बेयरिंग मे सर्व द पर्पस, बट इन केस ऑफ
लार्ज लोड द यूज ऑफ मल्टीपल कॉलम बेयरिंग इज रिस्टोर्ड। फिर बॉल एंड रोलर बेयरिंग का डायग्राम जैसे हमने देखा था, दिस इज बॉल बेयरिंग एंड रोलर बेयरिंग। बॉल बेयरिंग में आप यहाँ देख सकते हो, दिस इज केज होगा, यहाँ पर आउटर रेस होगा जो कि फिक्स होगा, यहाँ पे ये शाफ्ट है, यहाँ पे इनर रेस होगा। और दिस इज द फर्दर डायग्राम ऑफ ए एंड बी, दिस इज द रोलर एंड दिस इज द टेपर रोलर। तो बॉल एंड रोलर बेयरिंग क्या अरेंजमेंट बताता है कि बॉल और रोलर बेयरिंग आर ऑल्सो नोन एज हमें रोलिंग कॉन्टेक्ट बेयरिंग या रोलिंग एलिमेंट्स बेयरिंग, क्योंकि द बेयरिंग एलिमेंट्स होते हैं स्पेशली आर इन रोलिंग कॉन्टेक्ट में होते हैं। समटाइम्स दीज आर ऑल्सो रिफर्ड टू, हम लोग इसको बोलते हैं एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग भी। और थ्रू द सम फ्रिक्शन इज ऑलवेज प्रेजेंट ऑइंग टू रोलिंग फ्रिक्शन रेजिस्टेंस बिटवीन द बॉल्स द रोलर्स आर एंड द रेसेस रिटेनर्स एंड कॉन्टेक्ट पार्ट्स। तो स्टार्टिंग फ्रिक्शन होगा इन बॉल एंड रोलर बेयरिंग का इज लोअर देन दैट इन इक्विवेलेंट जनरल बेयरिंग के हो जाएगा, इन विच मेटल्स टू मेटल रूबिंग रबिंग टेक प्लेस एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग। स्टार्टिंग में क्या होगा, रबिंग टू रबिंग होगा, मेटल टू मेटल रबिंग होगा, जिसकी वजह से फ्रिक्शन जनरेट होगा। तो ये जो बॉल एंड रोलर बेयरिंग आर ऑल्सो क्वाइट सुटेबल एट मॉडरेट स्पीड, बट एट हाई स्पीड इट इज फाउंड दैट आर प्रॉपरली डिजाइन एंड लुब्रिकेटेड जनरल बेयरिंग एज लेस फ्रिक्शन। यहाँ पे आप इसका अरेंजमेंट देखा, आपने डायग्राम में देखा यहाँ पर जिसमें किस तरह से अरेंजमेंट किया जा रहा है। और यहाँ पर अगर इसको इस तरह समझते हैं कि फ्रिक्शन और सिर्फ शाफ्ट स्पीड के हिसाब से, तो जनरल बेयरिंग आप देख सकते हैं किस तरह से डिक्रीजेस हुआ, फिर कॉन्स्टेंटली चला, फिर अपसाइड, फिर रोलर बेयरिंग जो होगा फिर इस तरह से अपसाइड जा रहा है, और बॉल बेयरिंग जो होगी वो उसके नीचे अपसाइड जा रहा है। तो ये इस डायग्राम में जो फ्रिक्शन और स्पीड के रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है, फ्रिक्शन स्पीड रिलेशनशिप वेरियस इन केस ऑफ सोन फिगर। इट मे बी नोटेड दैट इन केस ऑफ बॉल एंड रोलर बेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वेरीज लिटिल विद लोड एंड स्पीड एंड एक्सेप्ट एट एक्सट्रीम वैल्यू। दिस प्रॉपर्टीज मेक्स अ बॉल एंड रोलर बेयरिंग एक्सट्रीमली सुटेबल फॉर द मशीन्स दैट आर स्टार्टेड एंड स्टॉपड फ्रीक्वेंटली। स्पेशली बात करें अंडर लोड कंडीशन, सिंस इन केस ऑफ बॉल बेयरिंग ओनली अ काइनेमेटिक पॉइंट कॉन्टैक्ट इज मेड एंड इन केस ऑफ रोलर बेयरिंग अ काइनेमेटिक लाइन कॉन्टैक्ट, द लैटर इज फ्रीक्वेंटली यूज फॉर द लार्ज बेयरिंग लोड्स। हाउएवर इन केस ऑफ रोलर बेयरिंग्स द इनहेरेंट डिसएडवांटेज इज द वेरिएशन ऑफ प्रेशर अलॉन्ग द बैंड ऑफ कॉन्टैक्ट ड्यू टू द डिफ्लेक्शन ऑफ द सॉफ्ट टॉप माउंटिंग। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर